आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर सोशल जूरिस्ट BIL की सुनवाई थी, जिसके अंदर स्टेट ऑफ हरियाणा के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें जो बदहाल हालत है जिसमें हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं हजारों, उसकी सुनवाई थी। तो आज हरियाणा की सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि उन्होंने जो है एक कमेटी बनाई है जो जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन के अंडर चार लोगों की, और उनको कहा है कि एक हफ्ता के अंदर अपना रिपोर्ट देंगे उन स्कूलों के बारे में जिन स्कूलों को हमने पिछले 3 महीने के अंदर जो है पलवल, नूह, करनाल, सोनीपत, गुड़गांव, ऐसे 6 जिलों के जो हमने जो है इंस्पेक्शन किए थे उसके बारे में उन्होंने कहा है कि कमेटी बना दी है, और उनको कहा है कि एक हफ्ते के अंदर जो है वो चीफ सेक्रेटरी को जो है वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे। दूसरा, उन्होंने हाईकोर्ट को ये बताया कि काफ़ी सारे स्कूल हैं जिनके बारे में उन्होंने कहीं कुछ क्लास बनानी है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, और उसके लिए कोई 40 करोड़ 50 लाख 85,000 रुपीज़ जो है वो वहाँ के गवर्नर ने उसको सैंक्शन किया है, और उसके ऊपर बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। जहाँ तक गुड़गांव के 8 स्कूलों की बात है, उसके बारे में उन्होंने ये बताया कि मार्च के अंदर जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे आफ्टर एग्जामिनेशन। तो हमारा कहना ये है हरियाणा की सरकार से, क्योंकि हमने जो 25 स्कूल पिछले 4 महीने में 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हरियाणा के देखे हैं, जो अधिकतर खतरनाक बिल्डिंगें हैं जहाँ पर बेसिक कम्युनिटीज़ बिल्कुल एब्सेंट हैं, हमारा कहना ये है कि अगली तारीख तक जो है कोर्ट के अंदर जो स्टेट ऑफ हरियाणा है वो अपनी पूरी एक हरियाणा के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनका पूरा एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करे कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फिजिकल बिल्डिंग के बारे में क्या हालत है, बेसिक कम्युनिटीज़ के बारे में क्या हालत है, और जो टीचर्स की शॉर्टेज है जहाँ भी उस टीचर्स का भी स्टेटस जो है वो कोर्ट को बताए। मुझे उम्मीद है कि जो स्टेट ऑफ हरियाणा है वो अगली तारीख से पहले जो है इस तरीके का स्टेटस रिपोर्ट हमारी जो एप्लीकेशन थी उसके रिस्पॉन्स में फाइल करेगा। तो मेरे ख्याल से एक तरीके से बहुत कुछ तो नहीं हो रहा है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस कोर्ट में ये केस करने की वजह से जो है स्टेट ऑफ हरियाणा जो है वो एक्शन में है, और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि ये जो हम लोगों ने इश्यूज़ को रेज किया है इसके ऊपर जो स्टेट ऑफ हरियाणा है वो कुछ करके दिखाती है जनता को। धन्यवाद। हम इस टाइम चंडीगढ़ में हैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से अशोक अग्रवाल विद कुमार उत्कर्ष कुमार।